ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सांसद से संवाद, और आज हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लातूर से सांसद सुनील गायकवाड़ जी से। गायकवाड़ जी, आपके क्षेत्र में आदर्श ग्राम योजना चल रही होगी, कोई ऐसा गांव जिसे आप आदर्श कह सकें आज की तारीख में? मैंने सांसद आदर्श ग्राम में निलंगा तालुका में एक आंसरवाड़ा गांव मैंने लिया है। करीब वो अभी 90% पूरा हो गया है। वहाँ के रास्ते हमने बनाए, वहाँ लाइट का स्टेशन खड़ा कर दिया, वहाँ बैंक एटीएम, और वहाँ पे जो भटके उमुक्त जात के घुमंतु जमात के जो लोग हैं उनके लिए हमने अलग सा मकान बंद कर देने का काम चल रहा है। और पूरा वो एक आंसरवाड़ा गांव अभी पूरा आदर्श के करीब गया है। अभी दूसरा आदर्श सांसद आदर्श ग्राम मैंने एक रामेश्वर लातूर तालुका में मैंने लिया है, वहाँ भी काम शुरू है। जी, आदर्श ग्राम के अलावा ऐसी कौन सी योजना जो अभी आपको लगता है कि लातूर के लिए बहुत जरूरी है और उस पर तेजी से काम होना चाहिए, जिस पर आप काम कर रहे हो? लातूर के लिए अभी नई योजना में, लातूर में हमारा एक एयरपोर्ट है, नितिन गडकरी साहब आए थे 3 महीने पहले, उन्होंने उस एयरपोर्ट के बारे में भी कहा था। मेरी एक डिमांड है कि लातूर एक बहुत बड़ा एजुकेशनल हब है जी, और बिजनेस का भी बहुत बड़ा सेंटर है। वहाँ जो तूर दाल होती है उसका रेट हमारे लातूर से निकलता है, सोयाबीन का रेट हमारे लातूर से निकलता है, ये हमारा प्रोडक्ट होता है वहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ का एयरपोर्ट पे सस्ती विमान सेवा जो शुरू होने वाली है वो एक शुरू हो जाए, और वहाँ कोई ऐसा एक वहाँ के खेती से रिलेटेड कोई अगर इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं केंद्र सरकार के मदद से, तो वो एक मेरा प्रयत्न शुरू है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे महिलाओं को काम मिलेगा। जो खेती से रिलेटेड इंडस्ट्री होती है, ऐसा एक बड़ा इंडस्ट्री वहाँ पे शुरू करने के लिए मैंने विनती भी की है मंत्रालय से। और एजुकेशन तो लातूर पैटर्न आपको पता है, पूरा हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में, अमेरिका में सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स अगर कहाँ से पढ़े लिखे हुए हैं तो वो करीब 5,000 से ज़्यादा हमारे लातूर के बच्चे वहाँ पे MBBS डॉक्टर है, MD डॉक्टर है, क्योंकि लातूर में एजुकेशन का एक बहुत बड़ा हब है। पूरा भारत से लोग वहाँ आके रहते हैं, 2 साल 11वीं 12वीं साइंस करके फिर डॉक्टर इंजीनियर बनकर चले जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे एक केंद्र सरकार का से केंद्र सरकार की ओर से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भी मैंने वहाँ पे मांग की है। इस समय महाराष्ट्र में BJP की सरकार है, आपकी सरकार दिल्ली में भी है और महाराष्ट्र में भी है, जो काम अधूरे हैं लोगों को उम्मीद होती है कि जाहिर है दोनों जगह सरकार है। राज्य सरकार की अगर मैं बात करूं तो उस संदर्भ में आपने कौन सी विकास योजनाएं राज्य सरकार को दी हैं? राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये दोनों मिलकर जो अभी प्रधानमंत्री सड़क योजना जो था, अभी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री सड़क योजना किया है, प्रधानमंत्री भी और मुख्यमंत्री सड़क योजना उनको जोड़ा है। वैसे करीब 9,000 करोड़ के काम मेरे लातूर लोकसभा क्षेत्र में चल रहे हैं। पूरा मैं 19 तक कोई गांव का रास्ता कच्चा रखना नहीं चाहता हूँ, पूरा मैं पक्का मजबूत रास्ता करना चाहता हूँ, और उस दिशा में मेरा काम शुरू है। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके ये भी काम कर रही है। और जो नई रेल के बारे में मैंने कहा, लातूर नांदेड़ और लातूर गुलबर्गा, इसके लिए भी 50% राज्य सरकार देने वाला है जी, तो उनकी मदद से हमारा ये दोनों प्रोजेक्ट पूरा हुआ है। जाहिर है कि आपकी दोनों जगह सरकार है तो उसका लाभ कहीं ना कहीं लातूर को भी मिल रहा है। सुनील जी, आपकी एक किताब का विमोचन हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, वो किताब कौन सी थी? वैसे में मेरी 2-4 किताब है, मैं मराठी कविता भी लिखता हूँ, लेकिन 31 तारीख को जुलाई के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ से मेरा एक जन संवाद कम्युनिकेशन के ऊपर डायरेक्ट हिंदी में लिखा हुआ किताब, मैं मराठी माध्यम का हूँ, लेकिन मैंने 10 साल पहले जब मैं जर्नलिज्म पढ़ रहा था, बैचलर जर्नलिज्म, उसके बाद मास्टर जर्नलिज्म, तो
तो कम्युनिकेशन के ऊपर हमारे पास कोई मटेरियल नहीं मिल रहा था मेरे क्लासमेट को एग्जाम के टाइम में। तो मैंने सोचा कि इस पर एक स्पेशली किताब आनी चाहिए, और मैंने वो टेक्स्ट बुक लिख लिख के रखा था। लेकिन अभी मैं राजभाषा समिति का दूसरी उप समिति का कार्यकारी संयोजक हूँ, सदस्य हूँ उसमें। तो मैंने सोचा कि हिंदी में जो लिखी थी 10 साल पहले किताब वो तैयार करें, और दिल्ली के एक पब्लिकेशन ने उसको पब्लिश किया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उस किताब का विमोचन भी किया और मुझे शाबाशी भी दी कि अच्छा काम किया। महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना के जो संबंध हैं उसमें खटपट रहती है, तनातनी रहती है, क्या है माजरा ये? नहीं, कुछ भी हो लेकिन सत्ता में तो एक साथ है। वैसा तो दो अलग अलग विचारों की पार्टी है, लेकिन दोनों का एजेंडा हिंदुत्ववादी विचार से लेकर है, इसलिए कुछ बातों पे हो सकता है, लेकिन सरकार तो चल रही है ठीक ठाक से। चलिए, आपने हमें अपने संसदीय क्षेत्र में कामकाज के बारे में बताया, एक सांसद के तौर पे आपने कितना काम करा है उसके बारे में बताया। 3.5 साल का लगभग समय मोदी सरकार को हो चुका है केंद्र में, आप कैसे देखते हैं सरकार के इस कामकाज को? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो आई है, हम देख रहे हैं कि मुझे तो पहली बार मौका मिला सांसद बनकर आने का, लेकिन बहुत ही सीखने को हमें मिला। मैं रिसर्च स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं पार्लियामेंट में भी आता हूँ तो पूरा एडजर्न होने तक बैठता हूँ, सीखता हूँ, कभी मौका मिला किसी बिल पे तो बोलता भी हूँ। और जो काम पिछली सरकार ने जो काम जैसा उनका था, उससे बहुत ही अलग तरीके से हमारी माननीय मोदी जी सरकार का काम है। देखिए, संविधान दिन माननीय मोदी जी ने मनाया 26 नवंबर को, ये इसके पहले नहीं मनाया था। जी 2 दिन डिबेट चला संविधान के ऊपर, और ऐसे बहुत सारे जैसा मुद्रा हो, अपना जनधन अकाउंट हो, जनधन का भी मोदी जी ने जो भी डिसीजन लिया, समाज में जो सबसे गरीब परिवार के लोग हैं, जिनको आसरा नहीं है, जिनको घर नहीं है, ऐसे परिवार को घर देने का, उनको हक देने का काम हमारी सरकार ने की है। और मुझे तो एक बात उनकी बहुत दिल को छूती है, जब उन्होंने कहा कि जो पेंशन पे लोग जाते हैं, पेंशन रिटायर्ड होते हैं, रिटायर्ड होने वाला जो रिटायर्ड अधिकारी है, कर्मचारी है, जब वो बैंक में पेंशन लेने जाता है तो उसको एक जीवित रहने का सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो वो बैंक ऑफिसर पूछता है कि आप जिंदा है, उसका क्या प्रूफ है, जिंदा आदमी को पूछता है, क्योंकि वो खुद देना पड़ता है लिख के। तो ये बात छोटी है, लेकिन ये बात को मोदी जी ने निरस्त कर दी, और ये जो पत्र है, जिंदा जो है सर्टिफिकेट देना पड़ता है, वो परिवार का कोई भी सदस्य वहां जो बैंक में जाके दे सकता है, उसका पेंशन कंटिन्यू रह सकता है। ये बात छोटी है, लेकिन ऐसी सोच, यानी कि समाज में छोटी छोटी बात हो और समाज के काम में आती हो, ऐसी बातों को माननीय मोदी जी ने अपनी सरकार की ओर से बहुत अच्छा काम किया है। हम भी समाधानी, और हमारे पूरे क्षेत्र के लोग और मोदी जी के काम पे पूरा समाज खुश है, और सबसे ज्यादा दलित समाज बहुत खुश है। उसका कारण यह है कि डॉक्टर अंबेडकर जी का इंदू मिल का जो स्मारक था मुंबई का, वो कांग्रेस वाले खाली घोषणा करते रहे जी, लेकिन नहीं दिया। इन्होंने जगह दी, परमिशन दी, सब कुछ, अभी काम शुरू हो गया। लंदन में वहां जब बाबा साहब पढ़ाई करते थे, वहां का घर लेके उसको स्मारक बनाया, और उनका दीक्षा भूमि, उसमें उन्होंने बड़ी रकम सरकार ने दी। ऐसे बाबा साहब के साथ जुड़ी हुई सभी स्थलों को उन्होंने पंचतीर्थ बनाया। मोदी जी के ऊपर एक दलित कवि ने एक गीत बनाया है, और बप्पी लहरी ने वो गीत गाया है, और बप्पी लहरी ने कहा है कि 47 साल मैं गाता हूं, लेकिन इतना बढ़िया गाना मैंने आज तक नहीं गाया। वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर गाया है, और यानी कि दलित दलितों के दिल में माननीय मोदी जी की छवि छा गई है, ये भी एक बहुत बड़ी जी, बात है। चलिए सुनील जी, आपने हमसे बात की, विभिन्न मुद्दों पर बात की, आपका इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सांसद से संवाद में आज इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।